एवरीवन, तो मार्केट के अंदर हमें कोई गैप अप या फिर गैप डाउन भी ओपनिंग दे सकता है मार्केट। यहाँ पे हमें तेजी से सेलिंग देखने को मिला, तो ये जो सेल वगैरह करके बैठे होंगे अच्छे प्रॉफिट में आ गए होंगे, लेकिन कभी कभी रैंडम सेलर भी मार्केट के अंदर आ जाते हैं। आई होप वो ना आए होंगे, क्योंकि 48,000 का लेवल था तो थोड़ा बहुत इनको डर जरूर लगा हुआ। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन केस ऑफ गैप अप या गैप डाउन सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करने का प्लान रख सकते हैं। एक तो मैं ये सोच रहा हूँ कि रैंडम सेलर नहीं आए होंगे, दूसरा हम मार्केट के साथ ही चलने की कोशिश करें, इसलिए मैं ये प्लान बना के जा रहा हूँ। आपके लिए 48,330 के आसपास रेजिस्टेंस अवेलेबल हो सकता है, 48,000 का यहाँ पे राउंड नंबर रहेगा, 47,770 के आसपास मार्केट ने एक सपोर्ट बना रखा है। गैप अप में आपको इतना ही ध्यान रख सकते हो कि रेजिस्टेंस के नीचे नीचे ऐसा काम करोगे, और गैप डाउन में इतना ही ध्यान रखना कि ओपन होते ही मार्केट के अंदर कोई पॉजिटिव मोमेंटम ना आना शुरू हो जाए, क्योंकि एक बार अगर मार्केट में लो बन जाता है तो फिर उसको टूटने में टाइम लग जाता है, इतना आप अपने लिए नोटिस रख सकते हो। निफ्टी में बात करें तो यहाँ पे भी कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिला, तो सिमिलर ही प्रोसेस रहेगा इन केस ऑफ गैप अप या गैप डाउन सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करने का हम प्लान रख सकते हैं। 21,800 के आसपास एक रेजिस्टेंस अवेलेबल है, 21,620 21,570 के आसपास मार्केट ने दो सपोर्ट बना रखे। कुछ डिसीजन बनाओ, थोड़ा देखो कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, दिल में लगता है गलत ट्रेड होने वाला है, फिर भी हम ट्रेड ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना है अभी के टाइम में। चाहे टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन ट्रेड जब लगे कि सही हो रहा है तभी आपको एग्जीक्यूशन करना है। धन्यवाद।